तो गाइस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहाड़। तो निहारिका को इतना ठंडा लग गया है यहाँ पे आके, मेरे को तो ठंडा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। निहारिका ने सुबह से घुघुत की तरह बन के बैठ जा रही है ऐसे धूप में, बोली जा रहा है सर, जुकाम भी लगा हुआ है। अभी मैं सुबह सुबह लाए आम के पत्ते, गाय का गोबर और ये दही, तो समथिंग स्पेशल कुछ नया होने वाला है, तो वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। आम के पत्ते भी सुबह से तोड़े हैं, करीब 500 पत्ते आम के तोड़े हैं पहले पेड़ पर जाके। मम्मी मेरे को काम देने में लगी हुई है सुबह से, कैसे ले जाएगा कैसे लिया है झोला। तो मम्मी ने मेरे को खूब सारे बर्तन मारे दे दिए झोले में रख के, मेरे को थोड़ा घर से ज़्यादा दूर जाना है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में एक सरप्राइज़ है, तो आपको पता चलेगा, वाला ब्लॉग जरूर देखना। तो अभी अभी देखो सूर्य देवता उधर से प्रकट हो गए हैं, कल रात पटाखे जलाए थे दिवाली के उसमें, तो अभी माला वाला लगी हुई है। आज सूर्य गए हैं तो आज कुछ काम करना नहीं है। तो सामने खेतों में देखो कैसे कैसे लाई लगी हुई है, ये है हमारे यहाँ लाई या प्लेन्स में वो वाला दिखा रहे हैं, जा रहे हैं दिखाने के लिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पर लाई लगी हुई है, ये देख रहे हैं ना आप कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। यहाँ पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं लाई के, और स्वादिष्ट भी काफ़ी होते हैं, मतलब जो प्लेन्स में मिलता है ना उसमें, और इसमें स्वाद में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पर अभी धनिया होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। साथ में ये लगे हुए हैं पिंडालू, मतलब जिसे बोलते हैं कचालू बोलते हैं ना, उधर इतना बड़ा बड़ा होता है, अरबी होती है ना, अरबी से थोड़ी बड़ी बंडा, हाँ बंडा। तो वहाँ पे लगी हुई है गोभी, हाँ तो यहाँ पे गोभी पत्ता गोभी है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लौकी, तो वहाँ लौकी लगी हुई है। अभी जब दिन में जैसा तोड़ेंगे तो लौकी दिखाऊँगा कितनी बड़ी होती है, मतलब इतनी बड़ी लौकी आपने कभी देखी नहीं होगी, मतलब इतनी बड़ी, मतलब आती है तो उसमें आती है क्या बोलते हैं पंतनगर किसान मेले में, इतनी बड़ी बड़ी लौकियाँ, वो लोग बीज बेचने आते हैं ना उसका, तो ऐसा है कुछ अभी सिनेरियो। तो पूरा दिन का आज का फिर से मैं आपको दिखाऊंगा आज क्या काम करना है। कुछ काम स्किप करूंगा क्योंकि वो सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ है तो काम स्किप करने पड़ेंगे। हाँ निहारिका को जाड़ा ही जाड़ा है, बाकी कुछ नहीं। तो इसमें लगे हुए हैं देखिए, ये माल्टा है, बोलते थे माल्टा बोलते हैं, अभी ये पीला हो जाएगा तो फिर खाने में मज़ा आएगा। ये देखिए ये मौसमी और माल्टे में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। मौसमी हमेशा वाइट कलर की होती है, लेकिन ये होता है ऑरेंज कलर का, अंदर का हिस्सा तो एक ही जैसा होता है। नहीं, और अंदर का हिस्सा भी ऑरेंज कलर का ही होगा इसका, तो ये थोड़ा और रसभरा होता है और साइज में बड़ा होता है। जितने एक किलो में 8 मौसमी आते हैं, 1 किलो में 3 ही आते हैं। पहाड़ी केले, ये है पहाड़ी केले। मतलब पहाड़ी केले क्या होता है कि अगर आप वैसे आधे दर्जन खा लो, लेकिन इसको एक खा के आप दूसरा नहीं, फिर दिन भर खाना नहीं खा पाओगे। अभी ये साइज में बहुत छोटा है, अभी ये और बड़े बढ़ेगा और फिर पकेगा, तो फिर ये मतलब पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसे पचाने के लिए बहुत हार्ड लीवर चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। और ये देखिए, ये है पहाड़ी नींबू, अभी ये भी साइज में छोटा है, ये पीला होगा तो ये करीब आधे किलो का एक हो जाएगा। तो पहाड़ में लोग ना, पहाड़ में ठंड के टाइम में पहाड़ी सना हुआ नींबू खाते हैं भांग की चटनी मिला के, तब इसका स्वादिष्ट मतलब अलग ही है। एक बीज छोटा है तो कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, ये नींबू का पेड़ है। हाँ मैं पकड़ूंगा ना, तो जिस लौकी की हम बात कर रहे थे चाचा जी, वही लौकी तोड़ने वाले हैं। हाँ तो ये लौकी है ऊपर लगी हुई, तो ये लौकी मैं तोड़ता हूँ, अभी ब्लॉगिंग बंद करता हूँ फिलहाल। ये देखो ना आप कितनी बड़ी लौकी है, मतलब करीब 5-6 किलो की होगी, 10 किलो की लौकी होगी, 10 किलो होगी यार। तो ऐसे ही लौकी आती है देखो, ये मेरे, मैं निहारिका को बोला आओ उठा के देखो एक बार, उठा के देखो जरा एक बार, उठा पाओगी नहीं उठा पाओगी, 10 किलो की लौकी ऐसे पकड़ो ऊपर से आके, कड़ी कड़ी टाइट टाइट, देखो ये उठा नहीं पा रही है निहारी का इस लौकी को, पकड़ो जरा एक बार पूरी, पकड़ो है। हाँ आ रहा हूँ ये देखो, ऐसे करके निहारी का कितनी किलो, 10 किलो की, निहारिका को बोला था कि निहारिका तुम्हारे बराबर लौकी है, देखो दो लौकी निहारिका के बराबर ही है बिल्कुल, अभी बैठे बैठे में कितने किलो की है, 10 की तो होगी। हाँ तो मेरी बात का यकीन नहीं होता ना,
आपने बोला है मेरे बराबर नहीं। हाँ तो मतलब समझ लो इतना खराब था। अभी मतलब 20 किलो की भी आती है अगर ऐसी रहती है बेल पे ना। अब ये खराब हो गई? नहीं खराब नहीं हो गई, बड़ी बनती है उसकी। तो ये है लौकी देखो। तो आज का ब्लॉग रहा बचपन के दोस्तों के साथ। तो ये है हमारे रवि भाई। हेलो। ये आए जर्मनी से, लाए जर्मनी में आईआईटी ने। बॉबी से बचपन से दोस्ती है ऑफिशियली भी और पर्सनली। ये हमारे देश की रक्षा करने वाले मनीष भाई। हेलो। मतलब ये दोनों भाई हैं, मतलब छोटे बड़े। ये हमारी भाभी जी। हेलो। सोनिका भाभी जी। और ये मन्नी की वाइफ। मन्नी का प्यारा क्यूट सा बेटा। हेलो करो बेटा। और ये का नाम क्या है? इवान। इवान। ये इवान। और आज निहारिका। फिर से निहारिका को जैसे आप जानते हो। तो निहारिका और मैं जा रहे हैं अपनी कार में। मन्नी अपनी नई गाड़ी लेकर आ रखा है टाटा पंच। हम लोग अपनी वैगन आर से, तो वो पूरी फैमिली आ रही है अपनी गाड़ी से और ये और मैं हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से। तो ये है जो द्वारहाट के पुराने मंदिर आपने देखा होगा। द्वारहाट मंदिरों का शहर है, तो ऐसे कुछ पुराने मंदिर है यहाँ पे। और मतलब अंदर ऊपर हाट गाँव में बहुत सारे हैं। ये है रानीखेत रोड जहाँ पर हम चल रहे हैं। कुछ मंदिरों सामने हैं पुराने बने हुए। इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ नज़ारा है द्वारहाट का। आज क्या है कि ट्यूसडे है, ट्यूसडे के दिन द्वारहाट की मार्केट बंद रहती है। ऊपर कल क्या बोलते हैं तो मेन दिवाली थी, तो उसके नेक्स्ट दिन हर जगह बाज़ार बंद रहती है मोस्टली। तो ये ऐसा मतलब था द्वारहाट का मार्केट। ये रानीखेत रोड है जो अभी आपने कभी देखी ना हो शायद मेरे ब्लॉग में। लेकिन ये जो मंदिर है, ये वाला ब्लॉग आप जरूर देख पाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। निहारिका और मैं पूरा द्वारहाट घूमे हैं, मालूम है आपको पूरा द्वारहाट। निहारिका को पैदल घुमा रखा है मैंने पूरा द्वारहाट, जो बोलते हैं हमारे यहाँ पंचकेदारी है ना। तो लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आपके भीमंडेश्वर वाली रोड पर। भीमंडेश्वर में एक शिवालय है और द्वारहाट का मतलब जो मेन शमशान घाट है वो भी भीमंडेश्वर ही है। जहाँ जहाँ मतलब शमशान घाट होता है वहाँ शिव जी का मंदिर होता है। तो हम लोग मतलब उधर जाके द्वारहाट के डिग्री कॉलेज की ओर जा रहे हैं। डिग्री कॉलेज की ओर समझे ना आप, द्वारहाट के डिग्री कॉलेज की ओर जा रहे हैं। और वहाँ से द्वारहाट का जो नज़ारा है वो बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए मैंने बोला कि उनको कि चलो ऐसे कहीं घूमने चलते हैं फैमिली वाइज। तो वहाँ से देखते हैं कैसा व्यू है द्वारहाट का। और कुछ Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. इवान कर रहा है मजे पे मस्त होके। हल्का धूप मार रहा है तो रोने लग जा रहा है। तो हम लोग रुके हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ से द्वारहाट का नज़ारा कैसा है बताओ तुम? ये वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बेस्ट व्यू मैंने जो देखा है द्वारहाट का। तुमने पहली बार देखा होगा ना? मैंने पहली बार। मेरा प्लान था कि तुम्हें पहली बार यहाँ लेके आए और बनाए भी। लिटरली मतलब यहाँ बैठ के इंसान आराम से चाय पी सकता है, इंजॉय कर सकता है और मैगी की बना सकता है और आराम से दोस्तों के साथ गप मार सकता है। तो लिटरली बहुत प्यारा व्यू है। आप ये देख रहे पीक, इधर वाली पीक है दुरागी माता वाली, उस सेम वाली दूसरी पीक देखी है, वो उधर वाली पीक दिखाई दे रही है सामने। हां हां हां, अरे वाह। उसके टॉप में तो मकान दिखाई दे छोटा सा, हां हां, वो मनु देवी माता मंदिर। अच्छा। इसका भी ट्रैक जाता है पांडेखोली, ये द्वारका के पीछे से टाइम लगेगा। पहले से मुश्किल से हम लोग को 1.5 या 2 घंटा लगता है। निहारिका बोली थी चलने के लिए ऊपर। निहारिका ने आत्मसमर्पण कर पिछले बार से, पिछले बार निहारिका जैसे केदारनाथ चढ़ी है ना, तब से क्या हुआ है ना, निहारिका को नानी आ रही है। निहारिका ने बोला था अभी दुनागिरी जाऊंगी तो मैं चल के जाऊंगी, गाड़ी में तो सब जाते रहे। ऐसा पक्का है? नहीं। लग मेरे को हालात देखते हुए तुम्हारी नहीं है। और ये भाई साहब अलग ही लगे हुए हैं, अपनी दीन दुनिया में खोए हुए हैं। 2 खिलौने लेके आए हुए हैं। क्या कर रहे हो? कौन नहीं कर ले, कौन कौन सा खिलौना है? ये हाथ में कौन सा है? हाथ में क्या है? चिकन। और वो मेंढक है? मेंढक क्या बोलते हैं मेंढक को? क्या भाभी पानी पियोगे क्या? आता देखा हमने चलते हुए देखा है। तो वो ऊपर है यहाँ का डिग्री कॉलेज, अभी हम कुछ देर बाद जाएंगे तो दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ शॉप खुल गई हैं ऐसे। एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ बताओ। कि जॉब करने के साथ साथ ये सब ब्लॉग बनाना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो आई शुड मतलब वी शुड अप्रिशिएट कि तुम इतना कर पा रहे हो, हम लोगों को ये सब चीज़ दिखा पा रहे हो, गांव घुमा रहे हो, पहाड़ घुमा रहे हो। तो मैं चाहूँगा कि जितने मैक्सिमम लाइक्स मिल सके, सब्सक्राइब मिल सके, जिस चक्कर में जिस वजह से तुम और भी इस तरह से घूम सको, इस तरह से हमारी वीडियो बना सको,
थैंक यू ये सब ये मालूम है मेरे बुढ़ापे के लिए है, ताकि बुढ़ापे में अब जब मैं बोर हो जाऊंगा ना तो अपने वीडियो देखूंगा कि हम यहाँ चलाते क्या था उसको जोश चल के फिर दोबारा हम पहाड़ चले जाए हैं। क्योंकि आदमी एक बार जो काम कर चुका होता है ना, जब मेरे हम लोग मम्मी पापा लोगों को देखते अपने घर में, तो वो लोगों ने वो काम बचपन में किए होते हैं। तो आज मैं अभी पापा एक पेड़ में डंडा काट रहा था ना, मैं कहा पापा से मैं काट दूंगा, पापा मेरी बात ही नहीं सुन रहे, सुन ही नहीं बात करो, कह रहे जर्मनी से गाँव में बहुत कम आ पाता हूँ, 5 साल बाद आ रहा हूँ, पर तुम जिस तरह से हमें पहाड़ घुमाते हो, इतनी अच्छी जगह घुमाते हो, ब्लॉक कर दिखाते हो, तो मतलब लिटरली मैं कनेक्टेड फील करता हूँ और मैं फॉलो करता हूँ, अच्छा लगता है। तो प्लीज ऐसे और बनाते रहो, अच्छा लगेगा हम लोग। एक एक वो धंगल गाँव है ना ऊपर, तो वहाँ एक भैया है योगेश भट्ट नाम उनका, वो अल्मोड़ा जी ऐसे पड़े हुए हैं मेरे भाई के साथ, तो वो परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। तो वो मतलब जब आते हैं ना कभी, तो पिछले अभी आए दिवाली के टाइम पे, तो मतलब अरे ये तुम्हारे गांव का ब्लॉगर आ गया, ये ऐसा है बड़ा, तो कहते तेरे ब्लॉग सब लोग को दिखा के बहुत मिसिंग, मतलब ये फैक्टर बहुत मिसिंग फील होता है, तो इस तरह से अगर ब्लॉग दिख जाते हैं, मतलब तुम जो इस तरह से लोकल चीज़ दिखाते हो पूरा ना, वो बहुत कम जगह दिखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत कनेक्टेड फील होता है गाँव से, पहाड़ से अपने। तो वो ऊपर डिग्री कॉलेज है, तो ये अभी हम जहाँ से खड़े थे ना उससे थोड़ा आगे पैदल आए हैं। यहाँ से आप नीचे देखो ना, जो द्वाहाट के खूबसूरत गांव है, यहाँ नीचे नीचे पूरी भीमांडेश्वर घाटी है पूरी नीचे, और ये सामने गांव है भूंगा, ऐसे करके उधर साइड में सलाल खोला है गांव, उस साइड आपका गांव है बंदपुरी, तो ऐसे मतलब यहाँ पे गांव है जो इस साइड है, उसके ऊपर कनार गांव है, उसके ऊपर हाट गांव है, इधर काली खुली है, तो ऐसा कुछ नज़ारा है। उस साइड में चाचरी है जहाँ पर वो टावर लगा हुआ है, तो मतलब धीरे 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 ये सब मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गया रोड के किनारे किनारे, देख के मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों बाद आया साइड को, बहुत दिन से मन था यहाँ आके घूमने का, तो अभी साथ के लोग भी थे तो घूमने आ गया, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं अभी और आगे थोड़ा कहीं जाएँ तो वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। तो छतना काल से ऐसे नीचे पहुँचे तो देखो यहाँ का नज़ारा कुछ और जज्बात बदल गए यहाँ के थोड़े, तो हम लोग धार चल रहे हैं, हवा बदल गई है, तो हमें सोच रहे कि धार के ऊपर थोड़ा चला जाए, या तो ये रास्ता पकड़े चलो भी इससे, इनके पास जिम्मेदारी भी है ना एक धंधों में इनके, हाँ तो ये कुछ नज़ारा है, उधर गाड़ी खड़ी की हुई है, बहुत मस्त व्यू है, गोल्ड ब्राउंडी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, गवर्नमेंट थोड़ा मतलब खेती लोग को भी सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट के पास भी प्रपोजल देना पड़ेगा। ये पूरा ये बुग्याल टाइप का है, मतलब ये बोलते हैं ना वो विडोज, तो बुग्याल टाइप के, तो यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग की जा सकती है, ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन द्वारहाट में क्या है, पानी की कमी है, अगर यहाँ कहीं नदी होती तो ये टूरिस्ट प्लेस आराम से बन सकते हैं साहब बहुत जल्दी यार। तो यहाँ से जो 360 डिग्री का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने रानी खेत भी इसमें दिखाई देगा, अल्मोड़ा दिखाई देगा उस साइड में, वो पूरा रानी खेत है, तो ये चारों ओर का जो 360 व्यू है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। धूप लेकिन बहुत तेज़ लग रही है आज, ये भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। वो वहाँ पर किसने सोलर प्लांट खुला है बहुत अच्छा, और ये पूरा जो एरिया है ना ये है पूरा द्वारहाट का इंजीनियरिंग कॉलेज, आप सामने देख रहे हैं ना, यहाँ से हमको पॉलिटेक्निक भी दिखाई दे रहा है, द्वारहाट का पॉलिटेक्निक पहले दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद उधर साइड में इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाई दे रहा है, और साथ साथ में उधर ग्राउंड है कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज का, जहाँ सारे टूर्नामेंट वगैरह होते हैं। ये नीचे गाँव है, ये मोस्टली छतबुल्ला या सलना गाँव होगा, क्योंकि बिल्कुल वो इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने छतबुल्ला और सलना गांव आते हैं, हम लोग को इतना मतलब आइडिया नहीं है, लेकिन नीचे की खेती बाड़ी आप देखो ना कितने प्यारे प्यारे खेत हैं, और साइड को भी बहुत सारे गांव हैं। आके अच्छा लग रहा है, कौन सा गांव है नीचे हमें क्या पता जी, मेरे ख्याल से इस जगह की ये वैली है, हाँ और थोड़े से माउंटेन्स है राइट, तो एकदम पहाड़ जो टिपिकल पहाड़ होते हैं यहाँ पर एकदम माउंटेन्स टाइप के रहते हैं, मतलब जंगल रहते हैं वो नहीं है, इतनी प्यारी वैली यहाँ देखने को मिल रही है। जो अभी के आपसे द्वारहाट सबसे ज़्यादा फैला और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब प्रपोजल जब उत्तराखंड में आया था ना तो द्वारहाट भी राजधानी के प्रपोजल में गया था, लेकिन क्या है कि किसने सोचा नहीं कि ये राजधानी बन सकता है, लेकिन बनने की मतलब पूरी हैसियत थी द्वारहाट की, ये आराम से राजधानी बन जाएगा। जनरली ये वीडियो में आदि ब्लॉग्स में देखता पर इस पता है कि आदि के साथ ही देखने को मिल रहा है। वो उधर वो ग्राउंड है ना, हेलीपैड भी वही है, जितने कभी कभी
रहते आते ना तो उसी में आके रुकते हैं। कैसा लगा था हाट? पहली बार नहीं देखा। नहीं, वो वाला एरिया तो पहली बार देखा ना। हाँ। वो भाभी कैसे लगी थी दुकान वाली थी? अच्छी है। हाँ, हम भी जो मतलब थोड़ी देर चाय पीने के रुके थे, उसका क्या हुआ, गाड़ी भी नीचे खड़ी की थी, गोप्रो वहीं रखा हुआ था, तो उनका देखा कि वो बोलती थी मैं सुबह से 50 मैगी बना चुकी हूँ। हम लोग चाय पीने के रुके थे वहाँ पे। तो ये था दोहाड़ का एक छोटा खूबसूरत ब्लॉग। साथ में दोस्त मतलब वो लोग उसको मार्केट में सामान खरीदने के रुके हैं, निहार के मतलब लेट हो तो हम लोग घर आ गए। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके जो भी बताइएगा, क्योंकि पहाड़ की ये वादियाँ आपको सिर्फ मेरे चैनल में देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। अब निहार के